महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना राज्य में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे उद्धव ठाकरे। राज्य के नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले विधानसभा के गेट पर खड़ी होकर विधायकों का स्वागत कर रही हैं। इस दौरान सभी गिले शिकवे मिटाकर सुप्रिया सूले ने अजीत पवार को गले लगाकर स्वागत किया और कहा, बधाई दादा। यही नहीं, सुप्रिया सूले ने आदित्य ठाकरे को भी गले लगाकर उसे बधाई दी। पाकिस्तानी सेना ने अपनी नापाक हरकत को बुधवार को भी जारी रखते हुए पुंछ जिला के कृष्णा घाटी और बलनोई सेक्टर में भीषण गोलीबारी जारी रखी हुई है। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब आरंभ किया हुआ है। गोलीबारी प्रातः 4 बजे से चली। पाकिस्तान सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर की भारतीय सेना की अग्रणी चौकियों को निशाना बनाकर यह गोलीबारी की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई तो की, पाक सेना रिहायशी क्षेत्रों में निशाना बनाकर मोर्टार दागने लगी हुई है। भारतीय सेना ने कार्रवाई में तेजी कर दी है। दोनों ओर से सुबह 6 बजे तक गोलीबारी जारी रही, इसके बाद बंद हो गई। यही हाल कृष्णा घाटी के बलनोई क्षेत्र में हुआ। यदि आप जम्मू डिवीजन के देवक नगरी जिला उधमपुर में 28 नवंबर यानी कल जाने का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि जिला उधमपुर में 28 नवंबर को लोगों को स्कूल, कॉलेज और दफ्तर के साथ कहीं और जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कारण ये हुआ कि आल ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 15 साल के पुराने वाहनों के चलने पर रोक तथा नए वाहनों पर 9% टैक्स लगाने के विरोध में 28 नवंबर को चक्का जाम करने का ऐलान कर डाला है। उन्होंने इस चक्का जाम के दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए पूरी तरीके से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र के तीसरे टायर को मजबूत करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण तथा गतिशीलता को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गांव की ओर मिशन 2 आरंभ किया गया, जो 25 नवंबर से जारी है और 30 नवंबर को समाप्त होगा। बैक टू विलेज 2 की तैयारियों में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किश्तवाड़ के अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर मड़वा वाईवान पंचायतों के लिए बिना हेलीकॉप्टर के जाया नहीं जा सकता, इसलिए यहां 23 अधिकारियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है। सरकार की एक कोशिश प्रमाणित करती है कि बैक टू विलेज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हुए है। रिश्वतखोरी के मामले में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है, फिर भी 50% भारतीयों ने कहा है कि उन्होंने 2019 में सरकारी अधिकारियों को घूस दी है। लोकल सर्कल और ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल इंडिया की ओर से करवाए गए सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे 20 राज्यों में किया गया है। इसमें 1.9 लाख प्रतिभागियों ने ज्यादातर ने माना कि रिश्वत देने से सुनिश्चित हो जाता है कि सरकारी अधिकारी उनका काम कर देंगे। प्रतिभागियों ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार के बहुत कम उपाय किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में मशीनों की देखभाल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर ने एक नया टोल फ्री नंबर और एक हॉटलाइन नंबर जारी किया है। जी हाँ, अस्पतालों में किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स खराब होने पर अब आपको टोल फ्री नंबर 1-800-102-0433 या हॉटलाइन नंबर 9121-896-777 पर एक कॉल करना है और बस 24 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा तलब किए गए इस कंपनी के ट्रेन्ड इंजीनियर आकर खराब मशीन की जांच करेंगे और मशीन को ठीक भी करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपी, जेएनके's बिगेस्ट मोबाइल होलसेल कम रिटेल आउटलेट।